गुरुवार सुबह नगर सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं ने गणगौर माता की बाड़ियां खुलते हुए दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। पाटी नगर में श्री राम मंदिर में माता की बाड़ी बोई गई है। गुरुवार सुबह बाड़ी खुलते ही श्रद्धालु पूजन करने के लिए पहुंचे। वहीं बाड़ी स्थलों से शोभा यात्रा के रूप में श्रद्धालु जवारे अपने घर रथ सजाकर लाए जाएंगे, तो वहीं एक गणगौर माता को मनोहार कर रोका जाएगा और भक्ति कर शनिवार को गणगौर पर्व का समापन होगा। इस दिन कई परिवारों द्वारा गणगौर पर्व पर आतिथ्य समागम कर भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। चैत्र की दूज को सुबह से ही लोग परिवार के साथ बाड़ी स्थल पर पहुंचे। बाड़ी खुलते ही लोग पूजा अर्चना में जुट गए। इसके साथ ही 3 दिवसीय गणगौर पर्व भी प्रारंभ हो गया। नगर के सभी समाजों में माता के रथ बैठाए गए हैं। माता के रथ बैठाने वाले परिवार नवीन वस्त्र पहनकर ढोल के साथ धनियर राजा की बारात लेकर बाड़ी स्थलों पर रणुबाई को लेने पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु जवारों को रथों में रखकर शोभा यात्रा के रूप में लेकर अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। पानसेमल नगर में गुरुवार को चैत्र नवरात्र में गणगौर महापर्व पर माता जी का पूजन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। नगर के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता जी की बाड़ी का पूजन किया। पुजारी सुभाष त्रिवेदी ने बताया कि शुभ मुहूर्त अनुसार विधि विधान से जवारों प्रतिदिन पूजन किया। सुबह 6 बजे से ही दर्शन के लिए भक्त परिजनों के साथ कतार में लगे नजर आए, जिन्होंने पूजन कर परिवार सहित क्षेत्र की कुशल कामना की। गणगौर उत्सव समिति द्वारा जानकारी में बताया कि माताजी के रथ अपने अपने घरों में रोककर शुक्रवार को विसर्जन किया जाएगा। नगर में 6 रथों और एक धनियार राजा की स्थापना की गई है, जिन्होंने सुंदर और आकर्षक रूप में रथों को सजाया। शुक्रवार को माताजी का विसर्जन विधि विधान के साथ किया जाएगा।